Hey guys, welcome back to Pooja's family channel and I am Pooja. So guys, यहाँ पे मैं अपने डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने डिनर में कल क्या बनाया था। तो वहाँ पे मैंने जो स्टार्टिंग में जो मैंने दिखाई थी वो मेरी उड़द की दाल थी, जो मैंने ये जो है मेरी उड़द की दाल है इसको मैंने पीस लिया था और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है, उसमें जीरा डाल के मैं अपनी ये दाल को फ्राई करूँगी अच्छे से। फिर मैं अपने इसमें मसाले भी मैं ऐड करूँगी। इसमें यहाँ मैंने हल्का सा धनिया पाउडर डाल दिया है, हल्की सी हल्दी डालूँगी और नमक डालूँगी यहाँ पे और थोड़ी सी रेड चिली डालूँगी यहाँ पे। देन उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से फिर मिक्स करूँगी। अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा तब मैं इसमें सौंफ ऐड करूँगी। सौंफ कंपलसरी है, इसमें सौंफ तो ज़रूरी डालें। यहाँ मैंने थोड़ी सी हींग डाली है क्योंकि मैं तेल में हींग डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने ऐसे डाल दी थी उसमें। यहाँ मैंने सौंफ ऐड कर दी है, आप सौंफ पीस के भी ले सकते हो, पर मैंने फटाफट करने जल्दी करने के लिए तो मैंने ऐसी सौंफ ऐड कर दी थी। वैसे सौंफ पीस के यूज़ करिए आप लोग। फिर मैं यहाँ अच्छे से इसको मिक्स कर ले रही हूँ। यहाँ मेरे ऐसे तैयार हो चुका था यहाँ पर मेरी दाल फ्राई होने के बाद। देन उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपना आटा लगा ले रही हूँ। आटा में मैंने यहाँ पे आटा लिया है और मैंने यहाँ पे सूजी ली है थोड़ी सी और नमक और मिर्च और हल्की सी धनिया पाउडर डाल दिया था उसमें। फिर अब मैंने यहाँ पे उस टाइम आटा लगा लिया था। अब मैं यहाँ पे अपनी सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। या कटोरी में मैं अपने मसाले ऐड करूँगी। या मैंने नमक डाल दिया है, 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला था और 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है इसमें, और मिर्ची मैंने थोड़ी सी ऐड की थी, हल्दी पाउडर मैंने इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करा है। और फिर इसको पानी में इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। अच्छा, मेरा तेल हो चुका था तो मैंने उसमें जीरा अपना डाल दिया है। यहाँ पे मसाले में अब अपना मैं पानी ऐड कर लूँगी जितने अकॉर्डिंग मुझे चाहिए। अच्छे से इसका बैटर तैयार कर लेना है मसाले का। फिर मैंने इस मसाले में थोड़ा सा मैंने आमचूर पाउडर ऐड किया है और थोड़ी सी मेरे पास कसूरी मेथी थी वो मैंने ऐड की है। तो कसूरी मेथी मेरी ख़त्म हो चुकी थी, थोड़ी सी थी, मैंने वही ऐड कर दी। कसूरी मेथी से फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। देन अब उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई अपनी बंद कर दी थी जैसा आप लोगों को मालूम ही है। फिर मैंने यहाँ पर अपना मसाला ऐड कर दिया है। मैंने मसाला ऐड कर दिया। अब इसमें हल्का हल्का जब ऑयल छोड़ जाएगा हल्का हल्का किनारे से, तब मैं इसके अंदर टमाटर की प्यूरी अपनी जो मैंने बनाई थी, यहाँ मैंने टमाटर की प्यूरी और हरी मिर्च और अदरक ले रखी है। यहाँ मेरा ऑयल छोड़ चुका था तो फिर मैंने यहाँ पे अपनी ये जो प्यूरी बनाई थी टमाटर की वो मैंने ऐड कर दी है इसमें। ये मेरे बिना प्याज और लहसुन की सब्जी है क्योंकि फास्ट में हम लोग, जो मेरा फास्ट होता है, तो मैं बिना प्याज लहसुन के ही हमारे यहाँ बनता है। देन उसके बाद अभी मेरा मसाला यहाँ पे मेरा ऑयल मेरा छोड़ चुका था तो फिर मैंने यहाँ पे अपने आलू जो थे बॉईल कर लिए थे। मैंने बॉईल करने के बाद मैंने इसे इसमें ऐड कर दिए हैं। आलू को अच्छे से पीसेस कर लीजिए, छोटे छोटे हाथों से मैश करें, हल्का हाथों से मैश करना है और बस वैसे फिर डाल देना है आलू। और फिर मैंने अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे पानी इसमें चाहिए थी, जितनी पानी की क्वान्टिटी मुझे चाहिए थी, मैंने उसमें अपना पानी ऐड कर लिया है इसमें। जी हाँ, मैंने पानी अपना ऐड कर लिया था। अब मैं इसे ढक के रख दूँगी। कम से कम 30 मिनट्स धीमी गैस पे, एकदम धीमी गैस पे पकाना है इसे। पहले एकदम तेज गैस पे पकाना है, उसके बाद फिर जब इसमें उबाल आने लगता है तब इसके बाद हम धीमी गैस कर देते हैं। तो एकदम धीमी गैस करने के बाद, ये मैंने 20 मिनट्स बाद देखी थी मैंने अपनी सब्जी, तो देन मेरी कुछ ऐसा लुक आ रहा था। फिर मैंने इसको दोबारा ढक के रख दिया था। फिर 10 मिनट्स बाद मैंने जब इसको देखा तो मेरी सब्जी बन चुकी थी, तो मैंने उतार ली थी। ये है मेरी सब्जी गाइस। और हाँ यार, कल धनिया नहीं था मेरे पास तो मैं धनिया नहीं डाल पाई थी, तो धनिया के बिना फ्लेवर अच्छा नहीं लग रहा देखने में, बट सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी। देन यहाँ पे अब मैं अपने भगवान जी के लिए भोग लगाने की तैयारी कर रही हूँ, प्रसाद बना रही हूँ। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 चम्मच सूजी ली है बस, क्योंकि मुझे प्रसाद के लिए चाहिए था, कोई खाने के लिए नहीं चाहिए था, सिर्फ प्रसाद के लिए चाहिए था। तो यहाँ मैंने सिर्फ 2 चम्मच सूजी ऐड करी है। सूजी मैंने छान ली थी पहले, फिर देन उसके बाद मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी लिया है।
घी मेरा हो गया था तो फिर मैं देन इसमें अपनी सूजी ऐड कर दूंगी। मैं सूजी को हल्के ब्राउन गोल्डन ब्राउन होने तक पूरा पकाऊंगी, अच्छे से पूरे चलाते ही रहना है इसे। यह मेरी गोल्डन ब्राउन सूजी हो चुकी थी, फिर मैं इसमें अपना पानी ऐड कर दूंगी। यह मैंने पानी ऐड कर दिया है, अब एकदम स्लो गैस कर देनी है और उसे पकाना है धीरे धीरे। इसके अंदर मैंने अपनी चीनी ऐड कर दे रही हूँ, 2.5 चम्मच मैंने चीनी ऐड करी थी इसमें। यहाँ मेरा पक रहा है अभी हलवा धीमी गैस पे, तब तक मैं अपने ड्राई फ्रूट्स काट ले रही हूँ। अच्छा, मैंने ड्राई फ्रूट्स ने काट लिए हैं और मेरा हलवा बनके भी रेडी हो चुका है। मेरा हलवा पूरा तैयार था। देन इसको अब मैं अपने एक कटोरी में सर्व कर ले रही हूँ। ये मैंने सारा हलवा निकाल लिया है, अब मैं अपने ड्राई फ्रूट्स इस पे गार्निशिंग कर दूंगी अच्छे से। ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के मैंने पहले इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, देन उसके बाद अब मैं ड्राई फ्रूट्स इसकी गार्निशिंग करूंगी। मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग कर दी है अपने हलवे की। गाइस रियलिटी में जब प्रसाद का हलवा बनता है तो इतना टेस्टी बनता है, बहुत यम्मी बनता है। देन उसके बाद अब मैं इसमें घी ऐड कर दूंगी थोड़ा सा, या मैंने आधी चम्मच घी ऐड कर दिया है फिर से इसमें ऊपर से। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी, अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा घी और सब में फिर चला जाएगा नीचे तक पूरा। यहाँ मैं ढक्के में रख दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, यहाँ पे अपनी मैं कचौड़ी सेकने के लिए आ गई हूँ। बहुत गर्मी थी कल, बहुत ज़्यादा, कल क्या रोज़ डेली गर्मी हो रही है। यहाँ मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है, ऑयल भी डाल दिया है मैंने अपनी कढ़ाई में। देन उसके बाद मैं अपना यहाँ पे आटा सही कर लूँगी और लोई काट लूँगी मैं कचौड़ी बनाने के लिए। थोड़ी थोड़ी जो लोई निकालते हैं वो मैं काट लूँगी। मैं इसलिए इसमें रख देती हूँ, फिर ज़्यादा जगह नहीं बचती है या फिर परात वगैरह रखने की जिसमें, तो मैं इसलिए इसमें रख देती हूँ। और फिर मेरा प्लेटफॉर्म हमेशा मैं साफ़ रखती हूँ इसे यहाँ पे, इस वजह से मैं इसके ऊपर ही बेलती हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी लोई काट ले रही हूँ कचौड़ी के लिए, क्योंकि मैंने धीमी गैस कर दी थी, धीमी गैस में मेरा ऑयल हो रहा था तब तक मैंने यहाँ पे अपनी लोई भी काट ली थी। फिर जब अगर कढ़ाई हो जाती है तो फिर नहीं बेल पाते इतनी जल्दी, इसलिए देन यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। यहाँ मैंने अपनी कचौड़ियों में दाल भर दी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे भगवान जी वाला यानी कि गैस के लिए निकाल दिया है, जो गैस पे रखते हैं। यहाँ मैंने अपनी कचौड़ियाँ भर ली हैं और मैं यहाँ पे भर भी रही हूँ, थोड़ी बहुत मैंने भर ली थी। अब मैं यहाँ पे बेल के थोड़ी सी कचौड़ी डाल दूंगी फिर भरूंगी। देन उसके बाद यहाँ मैंने अपनी कचौड़ियाँ डाल दी हैं। अब देख रहे हो गाइस अब कितनी फूली फूली, वाह कितनी यम्मी लग रही है।
यहाँ मेरी कचौड़ी हो गई थी तो फिर मैंने निकाल लिया इसे। इसी तरीके से मैं अपनी सारी कचौड़ियाँ सेक लूँगी, बेल के, भर के, सेक के, फिर मैं तैयार करूँगी इन्हें। सो गाइज, मैं अपने जो फास्ट में, जो मैंने बताया था कि मैं फास्ट रखती हूँ, तो उस फास्ट में मैं नमकीन खाना खाती हूँ, इस वजह से ये खाना मैंने बनाया था, नमकीन खाना भगवान जी के लिए। पहले मैंने जो मीठा भोग लगाया था वो पर मैं ये मीठा पहले खाती हूँ, देन उसके बाद थोड़ा सा भोग लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं ये नमकीन खाना खाती हूँ। इसी तरीके से मैंने अपनी सारी कचौड़ियाँ सेक ली हैं बस, देन अब उसके बाद मैं यहाँ पे खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। पूजा मैंने कर ली थी, पूजा मैं करके आई थी, देन उसके बाद मैंने सेकने शुरू की है। सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड फैमिली फ्रेंड्स के संग ज़रूर शेयर करना। तो चलिए गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू गाइज, बाय बाय, ऑल ऑफ यू।